दोस्तों आज का वीडियो उन सवालों पर है जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं लेकिन शायद ही कभी हमें उनके जवाब मिलते हैं। इस दुनिया के किसी कोने में कोई घटना होती है तो बॉलीवुड के लोग आगे आकर अपना समर्थन जाहिर करते हैं। हाल ही में जब गाजा के रफा में हुई घटनाओं के बाद ऑल आई ऑन रफा का हैशटैग ट्रेंड कर रहा था तो कई बॉलीवुड के लोगों ने इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तब ये बॉलीवुड के लोगों ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या बॉलीवुड का ये रवैया दोगला नहीं है? क्या सच में इन लोगों का समर्थन सच्चाई पर आधारित होता है या फिर ये लोग किसी खास मकसद से ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं? क्या इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं ऐसे पोस्ट करने के लिए? शुरुआत करते हैं रीसेंट की घटना से। जब गाजा के रफा में बमबारी के बाद ऑल आई ऑन रफा का हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था तो कई बॉलीवुड के लोगों ने इस हैशटैग के साथ पोस्ट डाले और अपनी चिंता जाहिर की। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल थे, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, वरुण धवन, सोनम कपूर जैसे बॉलीवुड के लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने ऑल आई ऑन रफा पर पोस्ट किया था। उन्होंने मानवाधिकारों की बात की, मासूमों की जिंदगी की अहमियत पर जोर दिया और युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई, जो एक अच्छी बात है। मासूमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी भी चाहिए, लेकिन इन बॉलीवुड के लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है जब वो पीड़ित मासूम हिंदू होते हैं? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये लोग सच में मानव जीवन के लिए चिंतित हैं तो उन्हें बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन शायद ही आपने किसी फेमस बॉलीवुड स्टार का पोस्ट देखा होगा इस मुद्दे पर जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई हो। तो क्या ये माना जाए कि ये बॉलीवुड वाले जिन भी सोशल मुद्दों पर पोस्ट करते हैं वो सारे पोस्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं? अगर बॉलीवुड के लोग सच में मानव अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें हर उस जगह पर आवाज उठानी चाहिए जहां भी निर्दोष लोगों की जान जा रही है या निर्दोष लोगों की हत्या हुई हो, फिर चाहे वो फिलिस्तीन हो या बांग्लादेश। कम से कम इंसानियत के प्रति तो इनका रवैया एक समान होना चाहिए। क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या ये बॉलीवुड के लोग सच में मानव अधिकारों के लिए चिंतित हैं या बस पैसों के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं? आप लोगों को पता ही होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उनकी महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग मरे हुए लोगों के प्राइवेट पार्ट चेक कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला हिंदू है। इस तरह की त्रासदी हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। इन घटनाओं को इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत कम कवरेज मिली है और बॉलीवुड से तो लगभग कोई आवाज नहीं उठी, बस दो चार लोगों को छोड़ के। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं है? जब गाजा में एक समुदाय के खिलाफ अत्याचार हो रहा था तो बॉलीवुड ने अपना समर्थन दिखाया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे नरसंहार पर एक भी पोस्ट नहीं की गई इन लोगों से। क्या ये चुप्पी किसी खास मकसद से है? और कहां गए वो सेकुलर लोग जिनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही? मोहब्बत की दुकान वाले भी अपनी दुकान वहीं चला रहे हैं जहां पर पहले से शांति है। नेताओं की परेशानी समझ सकते हैं, शायद वोट बैंक के चक्कर में वो लोग बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे होंगे। पर ये बॉलीवुड वाले किस वजह से ऐसा करते हैं? क्या ऑल आई ऑन रफा जैसे हैशटैग के लिए बॉलीवुड के लोगों को पैसे दिए जाते हैं? ये सवाल भी इसलिए उठता है क्योंकि अगर इन लोगों का पोस्ट ऑल आई ऑन रफा मानव जीवन और मानव अधिकारों को बचाने के लिए था तो यही समर्थन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं दिखाया गया? ट्विटर पर भी लोगों ने खूब जमकर सुनाया इन बॉलीवुड वालों को। जैसे एक यूजर ने लिखा, वो ऑल आई ऑन रफा वालों का पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा, कहां गए सब बॉलीवुड वाले। वहीं एक और यूजर ने लिखा, रफा 4000 किलोमीटर दूर था, बांग्लादेश तो बगल में है, आज कहां गए ये सारे बॉलीवुड वाले। ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठाई सोशल मीडिया पर इन बॉलीवुड वालों के दोगले रवैये के खिलाफ। बॉलीवुड का यह पक्षपातपूर्ण रवैया केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, जब भी किसी खास समुदाय या समूह के खिलाफ अत्याचार होता है तो बॉलीवुड के लोग तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर करते हैं, लेकिन जब वही अत्याचार किसी अन्य समुदाय पर होता है तो ये लोग छुप हो जाते हैं। इनका यह दोगला रवैया नहीं है तो फिर क्या है? या ये लोग उन्हीं चीजों पर पोस्ट करते हैं जिनके इनको पैसे मिलते हैं? हालांकि कुछ बॉलीवुड के लोग ऐसे भी हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोलने का काम भी करते हैं, पर आप लोग भी जानते हो बॉलीवुड में उन लोगों की संख्या बहुत कम है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।